तमिलनाडु के तंजावर का एक लड़का जिसने वकील रहते हुए लगभग तयशुदा फांसी को टलवाने में सफलता हासिल की, जबकि सी राजगोपालाचारी हार मान चुके थे। एक नौजवान जिसने बतौर अंतरिम सांसद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हुए देखा, और उसी नौजवान ने फिर 1987 में देश के राष्ट्रपति के तौर पर खुद शपथ ली। इकलौता राष्ट्रपति जिसने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा और 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलवाई। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। यह है dlallantop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के। और आज बात आर वेंकट रमन की, जो देश के 8वें राष्ट्रपति बने। अगर किसी को हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे एक थ्रिलर लिखना हो तो मेरी सलाह है कि वो जनवरी से जुलाई 1987 के वक्त को गहरे से खंगाले। ये वो समय था जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का मुंह देखा करते थे कि उनकी विदेश यात्राओं की अनुमति मिल जाए। राष्ट्रपति थे ज़ैल सिंह और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तब राष्ट्रपति का शिकायती खत भी छपता था इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, और हर कोई पल्ला झाड़ता था, कोई नहीं बताता था कि ये लीक कैसे हुआ। फिर आया अप्रैल 1987 और बोफोर्स कांड बाहर आया स्वीडिश रेडियो की एक खबर से। राजीव गांधी इनकार करते रहे, ज़ैल सिंह उनके ऊपर दबाव बनाते रहे, और आखिर में आया जून 1987। उसमें भी एक तारीख 20 जून, जब दिल्ली में ये सरगर्मियां तेज थीं, ये खबर तेज थी कि आज शाम को राजीव गांधी को, उस नेता को जिसे आज़ाद भारत के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत मिला, बर्खास्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलवा दी जाएगी। क्या था ये माजरा? 20 जून की पटकथा लिखे जाने से पहले प्रस्तावना समझ लीजिए। मार्च 1987 केरल और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बुरी तरह हारी, राजीव गांधी के कैंपेन का नेतृत्व करने के बावजूद। जून 1987 हरियाणा में कांग्रेस धूल चाटती नजर आई, महज 5 सीटें मिली उसे ताऊ देवीलाल के मुकाबले। और जुलाई में होना था राष्ट्रपति का चुनाव। उसके पहले कांग्रेस के अंदर एक खेमा था जो बागी तेवर अपना चुका था। कभी राजीव के करीबी रहे, कभी ज़ैल सिंह को ये बताने वाले कि राजीव को फौरन शपथ दिलवाई जानी चाहिए, ऐसे अरुण नेहरू अब राजीव की मुखालफत कर रहे थे। कभी राजीव के यंग मुस्लिम पोस्टर बॉय रहे आरिफ मोहम्मद खान, अब राजीव का विरोध कर रहे थे। उधर कांग्रेस के ही अंदर मौजूद लेकिन राजीव से खफा लोगों की भी एक लंबी सूची थी। जगन्नाथ मिश्र से लेके वसंत दादा पाटिल तक सब मौके का इंतजार कर रहे थे, और सबको लग रहा था कि ये मौका बोफोर्स स्कैंडल के चलते आ गया है। हालांकि इसके पहले जर्मन मरीन स्कैंडल भी हुआ था, लेकिन बोफोर्स घोटाले का इल्ज़ाम प्रधानमंत्री के दोस्तों और उनके घर तक पहुंच रहा था। लोगों को लगा कि ज़ैल सिंह को कन्विंस किया जा सकता है। ज़ैल सिंह कन्विंस होने के लिए तैयार भी थे, लेकिन उन्हें एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जिसको जब वो प्रधानमंत्री नियुक्त करें तो कांग्रेस के सांसदों का एक बड़ा धड़ा, कम से कम 250 सांसद उसके पक्ष में लामबंद हो सकें। उनको लगा कि आर वेंकट रमन इसके लिए उपयुक्त रहेंगे। वेंकट रमन का इस बारे में क्या सोचना था? वेंकट रमन किसी भी कीमत पर कांग्रेस के बागियों और विपक्ष के नेताओं के राजनीतिक प्लान का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि अक्टूबर 1986 में ही राजीव गांधी ने उन्हें ये संकेत दे दिया था कि अगले राष्ट्रपति के रूप में आप निर्वाचित हों, ऐसा मेरा मन है। आर वेंकट रमन को ये भी पता था कि भानुमति के कुनबे को जोड़कर अगर उन्होंने सरकार बना भी ली तो वो 1-1.5 बरस से ज़्यादा नहीं चल पाएगी और उनकी सारी राजनीतिक पूंजी खत्म हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस के बागी सांसदों से भी मना किया, और जब ज़ैल सिंह ने उनका मन टटोलने के लिए बीमारी के बहाने उनको अपने घर बुलाया, बताया कि राष्ट्रपति जी बीमार हैं, आप मिलने आइए, तब ज़ैल सिंह ने उनसे पूछा तो वेंकट रमन ने वहाँ भी इनकार कर दिया। ज़ैल सिंह ने भी बाद में अपनी फजीहत बचाने के लिए कहा, मैं तो सिर्फ विपक्षियों की बातें सुन रहा था, मेरा भी इस बारे में कोई स्पष्ट मत नहीं है। अब विपक्ष ने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। प्लान ये कि आर वेंकट रमन अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं मान रहे हैं तो जब वो कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में उतरें
तो उनके सामने कैंडिडेट बनाया जाए ज्ञानी जैल सिंह को। उन दिनों विपक्ष में पूरी तरह से एकता नहीं हुई थी। वीपी सिंह ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। पूरे देश में घूम घूम कर भ्रष्टाचार विरोधी रैलियों को भी संबोधित कर रहे थे, मगर औपचारिक रूप से कांग्रेस में बने हुए थे। विपक्ष की एकता की कमान संभाले हुए थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टीडीपी सुप्रीमो एनटी रामाराव। उनके साथ थे सीपीएम के महासचिव नंबूदरी पाद और इस विपक्षी एकता का तीसरा सिरा थे जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर। इस तिकड़ी ने शुरू में राष्ट्रपति पद के लिए केरल से आने वाले नेता वकील जो बाद में न्यायविद बन गए ऐसे जस्टिस कृष्णा अय्यर का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन तभी उन्हें कांग्रेस के अपने पाले के साथियों से जैल सिंह के इरादों के बारे में पता चला। पी उपेंद्र को भेजा गया जैल सिंह के पास उनके मन की टोह लेने के लिए। इन लोगों को लग रहा था कि अगर जैल सिंह उनके प्रत्याशी बन जाएंगे तो कांग्रेस में बड़े पैमाने पर फूट हो जाएगी, और अगर राजीव गांधी की सरकार राष्ट्रपति का चुनाव हार गई तो फिर उनके पास नैतिक आधार नहीं बचेगा देश में शासन करने का। जैल सिंह अपना मन बनाते इससे पहले ही नंबूदरी पाद उखड़ गए। पी उपेंद्र लौट भी नहीं पाए थे राष्ट्रपति से मिलकर कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जिसमें कहा गया कि विपक्षी दल एकता के नाम पर किसी भी कैंडिडेट के पीछे दौड़ रहे हैं और बार बार कृष्ण अय्यर का अपमान कर रहे हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीजेपी भी मैदान में आ गई। उसने कम्युनिस्टों पर इल्जाम लगाया कि रूस के पिट्ठू होने के चलते वो राजीव गांधी को इजी एग्जिट दे रहे हैं और इसलिए एक ऐसे कैंडिडेट को सामने ला रहे हैं जिसके नाम पर विपक्ष एकमत न हो। चंद्रशेखर और एनटी रामाराव भी बिफर गए। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि वो विपक्ष के इस कथित एकीकृत कैंडिडेट को अपना वोट ही नहीं देगी बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेगी। उधर कांग्रेस के खेमे से भी कई नाम उछाले जा रहे थे, लेकिन ये नाम राजीव गांधी की रणनीति का हिस्सा थे। 1982 की तर्ज पर एक बार फिर पीवी नरसिम्हा राव का नाम लिया गया। इसके अलावा दक्षिण भारत से ही आने वाले कांग्रेसी नेता, सांसद, मंत्री और दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले बी शंकरानंद का नाम भी लिया गया। डार्क हाउस के तौर पर एम चंद्रशेखर का नाम भी बार बार मीडिया में प्लांट किया गया। लेकिन राजीव की समझ साफ थी। जैसे उनकी मम्मी 1982 में पंजाब के असंतोष का सामना करने के लिए एक सिख राष्ट्रपति चाहती थी, वैसे ही राजीव गांधी श्रीलंका में उत्पन्न हो रहे तमिल संकट के निराकरण के लिए एक तमिल राष्ट्रपति चाहते थे ताकि नीचे तक एक मजबूत राजनीतिक संदेश जाए। 21 जून को राजीव गांधी और कमलापति त्रिपाठी साथ में नरसिम्हा राव भी आर वेंकट रमन से मिलने पहुंचे, उनको औपचारिक रूप से ये बताने कि कांग्रेस संसदीय दल ने मीटिंग में आपका नाम सुझाया है। वेंकट रमन ने थैंक यू बोला और कमलापति त्रिपाठी ने मजाक में जो बात कही वो मानी खेज है। कमलापति त्रिपाठी बोले, उम्मीद है कि आप प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे। और वेंकट रमन ने जो जवाब दिया उससे राजीव गांधी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वेंकट रमन बोले, मैं संविधान को बर्खास्त नहीं करूंगा। अब बारी थी चुनाव की। कांग्रेस की तरफ से आर वेंकट रमन जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे, विपक्ष की तरफ से कृष्ण अय्यर जो कानूनविद थे और एक तीसरा कैंडिडेट भी था बिहार के रहने वाले मिथिलेश कुमार। किसी को पता भी नहीं चला कि ये कौन है, कब आकर पर्चा भर दिया। यहाँ तक कांग्रेस के नेता और उस वक्त के राज्य मंत्री पी चिदम्बरम ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ये प्रतिवेदन देने का भी मन बना लिया कि मिथिलेश कुमार के नामांकन के प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर जिन सांसदों विधायकों के दस्तखत हैं उनके जाली होने का मुझे अंदेशा है। लेकिन वेंकट रमन ने उन्हें रोक दिया। सरकार के सामने एक और मुश्किल थी। मुश्किल ये कि खुदा ना खास्ता मिथिलेश कुमार को कुछ हो गया चुनाव के पहले तो चुनाव को कुछ महीने के लिए टालना पड़ेगा। इसके निराकरण के लिए दिल्ली पुलिस के एक दस्ते को साइकिल सवार मिथिलेश कुमार के साथ 24 घंटे रहने का निर्देश दिया गया। वेंकट रमन ने एक और फैसला किया कि वो चुनाव में कैंपेनिंग नहीं करेंगे। राजीव ने उनकी बात मान ली। सारे कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया और ये कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपकी परफॉर्मेंस से ही ये तय होगा कि आगे आप मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। उधर कृष्ण अय्यर थे जो तमाम राज्यों का दौरा कर रहे थे। सबसे ज्यादा उनके नाम को लेकर वामपंथी उत्साहित थे। इसकी वजह यह थी कि जज बनने से पहले कृष्ण अय्यर नंबूदरी पाद की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, विशेष लगाव था। कृष्ण अय्यर के
न्यायिक इतिहास की एक और अहम चीज है जो आपको जाननी चाहिए। 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा ने रायबरेली से 1971 में हुए इंदिरा के निर्वाचन को अवैध करार दिया, तो उनको 3 हफ्ते की मोहलत दी गई कि वो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के सामने अपनी अर्जी दाखिल कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी की अर्जी की सुनवाई इन्हीं कृष्ण अय्यर ने की थी। उन्होंने स्टे तो दिया था लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भले ही बनी रहें लेकिन संसद में वो वोटिंग का हिस्सा नहीं बन सकती, और इसके महज 12 दिन के बाद देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। राजीव गांधी की रणनीति कारगर रही और आर वेंकटरमण देश के 8वें राष्ट्रपति बन गए। वोट किसको कितने मिले? आर वेंकटरमण को मिले 7,40,148 मूल्य के वोट, कृष्ण अय्यर को मिले 2,81,550 मूल्य के वोट और मिथिलेश कुमार को मिले 2,223 मूल्य के वोट। आर वेंकटरमण जब राष्ट्रपति बन गए तो राजीव के साथ संबंधों को सुधारना उनकी पहली प्राथमिकता थी, और दोनों ही नेता इसमें सफल भी रहे, क्योंकि 1987 के पूर्वार्ध में सबसे ज्यादा बहस इसी को लेकर होती थी कि देश में राष्ट्रपति बड़ा है या प्रधानमंत्री, किसको क्या हक है आखिरकार संविधान के तहत। राजीव ने वेंकटरमण को क्यों पसंद किया? एक वजह यह भी है कि जब विपक्ष के सांसद राज्यसभा में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के सिरफुटबल पर बहस करना चाहते थे तो उस वक्त के उपराष्ट्रपति और उसी हैसियत से राज्यसभा के सभापति आर वेंकटरमण ने ब्रिटिश संसदीय परंपराओं का हवाला देते हुए इस बहस को करवाने से इनकार कर दिया। अब आर वेंकटरमण राष्ट्रपति थे, सब कुछ स्मूथ चल रहा था कम से कम दोनों के बीच। लेकिन 1989 में कार्यकाल पूरा होने से कुछ महीने पहले ही राजीव गांधी ने संसद को भंग करने की सलाह दी और देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। एक तरफ राजीव गांधी थे, कांग्रेस के 5 साल की उपलब्धियां बताते, दूसरी तरफ विपक्ष था, ये नारा लगाता मिस्टर क्लीन गंदली क्यों है तोप मशीन। चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन 200 से नीचे सिमट गई। जनता दल जिसका इतना शोर था वो 145 सीटों पर पहुंच पाई। भारतीय जनता पार्टी को मिली 85 सीटें। लेफ्ट के पार्टियां भी 50 के आंकड़े को पार करने में सफल रहीं। 1989 के आखिरी में चुनाव हुए, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। फिर बारी आई जनता दल की, जिसको लेफ्ट पार्टियों ने भी सपोर्ट किया और बीजेपी ने भी, और इस तरीके से राष्ट्रीय मोर्चा जिसका नेतृत्व जनता दल कर रहा था और वाम मोर्चा जिसको रामो वामो कहा गया, इनकी सरकार बन गई। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। शपथ ग्रहण के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ। देवीलाल ने आखिरी वक्त पर चंद्रशेखर की महत्वाकांक्षा को ध्वस्त कर दिया और अपने लिए उप प्रधानमंत्री का पद ले लिया। उनकी जिद थी कि जब वो शपथ लें तो उप प्रधानमंत्री शब्द बोलें। वेंकटरमण ने 2 बार कहा मंत्री पद की शपथ, ताऊ देवीलाल नहीं माने। संविधान का प्रावधान ये है कि उप प्रधानमंत्री के पद की शपथ नहीं दिलवाई जाती, मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई जाती है और बाद में एक ऑर्डिनेंस के जरिए, एक नोटिस के जरिए ये नोटिफाई कर दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति उप प्रधानमंत्री भी होगा। पहले भी पटेल के टाइम पर, मुरारजी देसाई के टाइम पर, चरण सिंह के टाइम पर यही कवायद अपनाई गई थी। 9-10 महीने सरकार चली, वीपी सिंह की, मंडल कमीशन आया, देश में जातीय हिंसा भड़की, जनता दल टूटा, चंद्रशेखर अलग हो गए, कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई। उस दौर में राजीव गांधी चाह रहे थे कि वो खुद सरकार बनाए। वो वेंकटरमण से मिलने भी पहुंचे, उनको पर्याप्त वक्त भी मिला लेकिन वो समर्थन नहीं जुटा पाए। और जब वो चंद्रशेखर के हक में समर्थन का पत्र सौंपने के लिए राष्ट्रपति वेंकटरमण के पास पहुंचे तो वेंकटरमण ने सिर्फ एक बात पूछी, मुद्रा का संकट चल रहा है, खाड़ी युद्ध भी सर पर है, ऐसे में क्या ये सरकार स्थायी रहेगी, क्या ये 1 साल पूरा कर पाएगी? और राजीव गांधी ने कहा 1 साल ही क्यों, ये अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। वेंकटरमण ने उनकी बात को मान लिया लेकिन कुछ ही महीनों में राजीव गांधी अपनी बात से मुकर गए। वो चंद्रशेखर को यूं ट्रीट कर रहे थे जैसे वो उनके बागान में काम करने वाला कोई नौकर हो। चंद्रशेखर से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और राजीव को बिना बताए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राजीव के सलाहकारों ने चंद्रशेखर के पास जाकर कहा कि राजीव नहीं चाहते कि आप इस्तीफा दें, इस्तीफा वापस ले लीजिए। चंद्रशेखर बोले, मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है, राजीव गांधी नहीं, मैं बार बार फैसले नहीं बदलता। देश में एक बार फिर से चुनाव, प्रक्रिया अभी आधी हुई थी कि 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई।
उसके बाद कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत से कुछ कम सीटें मिली और उसके बाद वेंकटरमन ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलवाई। क्या क्या हुआ आर वेंकटरमन के राष्ट्रपति रहते हुए? श्रीलंका में भारत की राजनीति बुरी तरह मात खाई। शुरुआती लक्षण तो तभी दिखने लगे थे जब राजीव गांधी के ऊपर एक नौसैनिक ने श्रीलंका में हमला किया था और जब राजीव वापस लौटे थे तब प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आर वेंकटरमन एयरपोर्ट पर उन्हें देखने पहुंचे थे। इसके बावजूद राजीव ने अपनी जिद के चलते श्रीलंका के साथ शांति समझौता किया, सेना भेजी और वहां पर सेना को बुरी तरह से अपने ही प्रशिक्षित किए हुए तमिल लड़ाकों से मोर्चा लेना पड़ा और फिर वापस भी लौटना पड़ा। मंडल और कमंडल भी वेंकटरमन के ही दौर में हुए और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत भी उनके राष्ट्रपति रहते हुए हुई। मेरे ख्याल से ये आखिरी फैसला वेंकटरमन के लिए सबसे ज्यादा सुकून देने वाला रहा होगा। हम लोग बार बार तमिलनाडु की औद्योगिक समृद्धि की बात करते हैं, कामराज के गोल्डन एज की बात करते हैं बतौर मुख्यमंत्री। याद रखिए, कामराज जब मुख्यमंत्री थे तब यही आर वेंकटरमन उनके इंडस्ट्री और लेबर मिनिस्टर थे जिन्होंने शानदार परिणाम दिए थे और कामराज को इसका अनुमान था। इसीलिए 1957 के लोकसभा चुनाव में वेंकटरमन सांसद बनकर दिल्ली जा चुके थे, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया था और उनको विधायक बनाकर राज्य में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। राजनेताओं का जीवन ऐसा ही होता है, कभी शुरुआत में चढ़ाव मिल जाता है और बाद में ढलान होती है, कभी शुरुआती चमक के बाद जिंदगी सम पर पहुंच जाती है। वेंकटरमन के दामन पर कोई दाग भी लगा क्या? विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं ने इल्जाम लगाया कि उनकी बेटी राष्ट्रपति भवन का इस्तेमाल अपने व्यापारिक हितों की मजबूती में कर रही हैं। कार्यकाल खत्म हुआ और इस आरोप पर भी गर्द चढ़ गई। कुछ और पॉलिटिकल किस्सों के ऊपर से धूल झाड़ेंगे, एक नए राष्ट्रपति का किस्सा लेकर आपके बीच फिर हाजिर होंगे। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।